कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए चल रही हैं, इस पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, इस पर दिखाएंगे एक रिपोर्ट। लेकिन खेती किसानी में, कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नए अनुसंधान हुए, क्या कुछ नई जानकारी है, आइए जानकारी लेते हैं खबरें खेती में। 15,000 टन प्याज खरीदेगी केंद्र सरकार, उत्पादकों को मिलेगी राहत। धान के MSP में बढ़ोतरी की सिफारिश। कपास फसल पर सफेद मक्खी के प्रकोप से कैसे बचें? केन प्लांटर मशीन द्वारा गन्ने की बुआई। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पायल रावल और अब खबरें विस्तार से। प्याज की गिरती कीमतों से परेशान प्याज उत्पादकों को राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 8.50 से 9.50 रुपए प्रति किलो की दर से 15,000 टन प्याज खरीदने का निश्चय किया है। देश में इस साल प्याज का रिकॉर्ड उत्पादन होने से प्याज उत्पादकों को प्याज की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। उत्पादकों को प्याज 1 से 2 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्याज उत्पादकों से 8.50 से 9.50 रुपए प्रति किलो की दर से 15,000 टन प्याज खरीदने का निश्चय किया है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किसानों की मदद के लिए प्याज उत्पादकों से 8.50 से 9.50 रुपए प्रति किलो की दर से 15,000 टन प्याज खरीदा जाएगा, जो 1 से 2 रुपए की वर्तमान दर से काफी अधिक है। श्री पासवान ने कहा कि किसानों से प्याज की खरीद सरकारी एजेंसियों, राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ और लघु कृषक व्यापार संघ द्वारा की जाएगी। प्याज के समुचित भंडारण के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से निजी कोल्ड स्टोरेज किराए पर लेने को कहा है, जिससे खरीदे गए प्याज की बर्बादी ना होने पाए और उन्हें समय रहते बाजार में उतारा जा सके। श्री पासवान ने कहा, सरकार के इस फैसले से प्याज उत्पादकों को काफी राहत मिलेगी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार के रुख को देखते हुए खरीफ सत्र 2016-17 के लिए धान के MSP में 60 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। केंद्र सरकार देश में धान, दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश है कि दलहन और तिलहन के मामले में देश आत्मनिर्भर हो, वहीं अन्य फसलों का उत्पादन बढ़े, किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। केंद्र सरकार के इस रुख को देखते हुए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने खरीफ सत्र 2016-17 के लिए धान के MSP में 60 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। मौजूदा समय में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,410 रुपए प्रति क्विंटल है। इसमें 60 रुपए की बढ़ोतरी करके धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,470 रुपए प्रति क्विंटल करने की सिफारिश की गई है। आम तौर पर सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिश के प्रति सकारात्मक रुख अपनाती है। आयोग ने धान के अलावा कपास, तिलहन उत्पादकों के फायदे के लिए कपास और तिलहन के MSP में भी बढ़ोतरी करने की सिफारिश की है। सफेद मक्खी या सफेद मच्छर ने पिछले वर्ष कपास की पैदावार में बहुत नुकसान पहुंचाया। इसमें जहां एक ओर किसानों द्वारा देर से कपास की बुआई की, जिससे इस मक्खी को बढ़ने का मौका मिला, इस बार ऐसा ना हो हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को समय पूर्व सलाह दे रहे हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले बार हमारी कपास की फसल में सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ आवश्यक बातें किसान भाइयों के लिए बताई गई थी, जिनको पे अध्ययन करने का और जिन पे ध्यान देने का ये उपयुक्त समय। सबसे पहले हम बिजाई का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि किसान भाई अपनी फसल की बिजाई
15 मई तक पूरी कर लें। जो बीटी के हाइब्रिड लगाने हैं वो 15 मई तक बीजें, और किसान भाई अगर देसी कपास की फसल लगाना चाहते हैं तो उसकी बिजाई वो पूरी कर लें। अगर आप समय पर बिजाई कर लेते हो तो आप सफ़ेद मक्खी और पत्ता मरोड़ बीमारी के प्रकोप से काफ़ी हद तक बच जाते हो। दूसरी जो ज़रूरी बात है किसान भाइयों, वो ये है कि जो यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित जो कपास की किस्में हैं सिर्फ वही उगाएं, क्योंकि वो किस्में टेस्ट करके आप लोगों को दी गई है और उसमें पत्ता मरोड़ बीमारी और सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है वो कम से कम आता है। तीसरी जो सबसे ज़रूरी बात थी कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन सिरसा समय समय पर हर सप्ताह जो भी सफ़ेद मच्छर के बदल में पोषक पौधे हैं, जैसे आपके घास फूस है या कोई खरपतवार है, सब्जियां है, फल है, उन सब पे सफ़ेद मक्खी के सर्वेक्षण करता आ रहा है, और जहां जहां पे भी इनकी संख्या पनप रही है वो अलर्टनेस के तौर पे किसानों को बताई जा रही है। और अब तक हमें किसी भी ऐसी फसल पे कोई ऐसी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। कुछ एक खरपतवार है जैसे कि पीली बूटी है, कांगी बूटी है, तांदला है, इन पे जो सफ़ेद मक्खी है इनके बच्चे पनप रहे हैं। तो अपने खेत को और खेत के अंदर और चारों ओर अच्छी तरह से साफ रखें ताकि सफ़ेद मक्खी का प्रकोप इन बदल में पोषक पौधों से आपकी कपास की फसल पर ना आए। उसके बाद वो सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी बात यह है कि अपने बिजाई के बाद खेत को लगातार निरीक्षण करते रहें और अपने खेत में लगभग एक एकड़ में 20 पौधों को ध्यान से देखें। अगर आपको उनके ऊपर सफ़ेद मच्छर का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो किसी भी कृषि विश्वविद्यालय या केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान या कृषि विज्ञान केंद्र में एक्सपर्ट की राय लेके और सरकार द्वारा अनुमोदित सिर्फ कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना है, और फसल के शुरुआती दौर में यानी पहले 60 दिन तक आपको किसी भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना। और अगर आपको लग रहा है कि आपके खेत में सफ़ेद मकर की जनसंख्या बढ़ी हुई है तो उस हालत में आप नीम आधारित दवाइयों का प्रयोग करके अपने कपास की फसल को सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से बचा सकते हैं। आधुनिक तकनीक एवं नई केन प्लांटर मशीन द्वारा गन्ने की बुआई संभव हो गई है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने अपने अनुसंधान में इसके सफल परीक्षण के बाद आज ये किसानों के खेतों पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। इस मशीन के बारे में अधिक जानकारी देते हुए संस्थान के वैज्ञानिक ने बताया, ये मशीन जो है ये इसको सुगर केन कटर प्लांटर बोलते हैं, गन्ना बुआई का यंत्र। ये मशीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक इंस्टीट्यूट है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, उसमें इस मशीन का विकास किया गया है। इस मशीन की विशेषता ये है कि ये मशीन गन्ना बुआई के सारे काम एक साथ करती है। गन्ना बुआई में पहले गन्ने के बीज के टुकड़े काटे जाते हैं, नाली बनाई जाती है, नाली में उन बीज के टुकड़ों को डाला जाता है, खाद डाली जाती है, दवा डाली जाती है, और उसके बाद मिट्टी से टुकड़ों को ढक करके पटेला मतलब मिट्टी को दबा दिया जाता है। ये सारे काम ये मशीन एक ही बार में कर देती है, जो भी 5-6 काम हैं। तो इस मशीन की विशेषता ये है कि ये 5 घंटे में गन्ने बुआई के सारे काम 1 हेक्टेयर के संपन्न कर सकती है। केवल 4 आदमियों की जरूरत पड़ेगी, 2 आदमी इस मशीन के ऊपर जो कुर्सियां लगी हैं उसमें बैठेंगे और 2 आदमी जमीन पर रहेंगे, जो गन्ने का बीज चाहे खाद चाहे दवा जो कुछ इस मशीन में डालनी है उसको रिफिल करते रहेंगे, जब खाली होगा उन डब्बों को भरते रहेंगे, और जो 2 आदमी मशीन पर बैठेंगे वो खड़े गन्ने को मशीन में डालते जाएंगे, मशीन बाकी सारे काम करती जाएगी। और इस मशीन के प्रयोग से गन्ना बुआई की जो लागत है ऑपरेशनल कास्ट वो 50% तक इसमें बचत होती है। और जैसा मैंने बताया जो काम 40 से 45 आदमी 8 दिनों मतलब 8 घंटे में मतलब 1 दिन में करते वो इस मशीन की मदद से 5 घंटे में कर सकते हैं केवल 4 आदमियों की मदद से। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। देश के मैदानी भागों पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे। उत्तर पूर्वी भागों सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का अनुमान है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में भी बादल छाए रहने के आसार हैं। देश के निचले व तटवर्ती इलाकों
कर्नाटक, तमिलनाडु व केरला के ज्यादातर भागों में छुटपुट बादल छाए रहेंगे व कुछ स्थानों पर बरसात होने का अनुमान है। किसान भाइयों, खेती से संबंधित समाचारों, खेती किसानी और कृषि जगत से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार के दो वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं खेती और किसानी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं जिनका हमारे किसान भाई लाभ उठा रहे हैं। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में भी इसी तरह का जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें सारी योजनाओं को किसानों को बताया गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले के ग्राम नवाला में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मेरा गांव मेरा गौरव फार्म फील्ड स्कूल का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने किया। ये कार्यक्रम भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर ए के सिंह एवं पूसा संस्थान के निदेशक डॉक्टर रविंद्र कौर सहित कई कृषि वैज्ञानिकों ने भी अपने विचार किसानों के साथ साझा किए। कि किसानों से जुड़ना है, कैसे जुड़ना है ये आप देखिए। सर, इसी कड़ी में हमने ये पहला कदम बढ़ाया है और सर आप इसका थोड़ा निर्णय करके बताएंगे हम कहाँ तक सफल हो रहे हैं। इस अवसर पर सर मैं आपका स्वागत करता हूँ और 85 गांव से हमें लगता है कि सभी गांव से प्रतिनिधित्व हमें मिला है। प्रधान लोग भी आए हैं, किसान आए हैं। इस अवसर पर मैं विशेषकर किसान भाइयों का अपने दिल से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं भी अपनी ओर से और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से आप सबका इस कृषि क्षेत्र में जो पाठशाला जो आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है उसमें बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यह एक बहुत ही विशेष अवसर है, विशेष इवेंट है जिसमें कि सारे वैज्ञानिक गण आपके घर में आके कृषि से जुड़ी सारी समूची सूचनाएं, नवोन्मेषी तकनीकें, उन्नत तकनीकें, तकनीकों का ज्ञान और जो सरकार द्वारा अभी हाल ही में आयोजित नई स्कीमें हैं जो कि किसान के कल्याण के लिए बनाई गई हैं, कृषकों के कल्याण के लिए बनाई गई हैं, उनसे आपको अवगत कराना इस आज के इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य है। मैं आशा करूंगी कि आप ये इवेंट का भरपूर फायदा उठाएंगे ताकि इससे ना केवल आपके ज्ञान भी वृद्धि हो बल्कि जो किसानी और जो में जो इंफॉर्मेशन की जो कमी है उसकी भी पूर्ति हो। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आंकड़े देखें तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ही नहीं केवल ये लागू होता है पूरे देश पे, जो हमारी किसानी है वह अब इतनी लाभप्रद नहीं रही है। तो इसका क्या क्या वजह है, हमें इसका चिंतन मंथन करना चाहिए। अब आप जानते हैं कि जलवायु में बहुत ही परिवर्तन होने के कारण ना केवल सतही जल बल्कि भूजल में भी बहुत कमी आ चुकी है
और ये जो हमारी किसानी में जो हमारी कमी आ रही है उसका मुख्य कारण है जल में कमी, क्योंकि आप जानते हैं, आप हमेशा कहते हैं अपने घर में ये जल ही जीवन है, तो जब जल ही जीवन है तो जल ही कृषि का केंद्र बिंदु है। अगर हम जल को भूल के कृषि की सारी कार्रवाइयाँ करेंगे और पॉलिसी मेकिंग करेंगे तो हम कृषि ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। जो नई नई स्कीम्स भारत सरकार ने घोषित की है वो सभी स्कीम्स को यहाँ पर लागू करने के लिए माननीय मंत्री जी हमेशा तत्पर रहते हैं, हम लोगों को भी बार बार निर्देश देते हैं और स्वयं भी उसकी निगरानी रखते हैं। आप देखेंगे कि तमाम जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, डॉक्टर अनिल जी ने अभी बताया है कि कैसे अपनी योजनाओं को यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, साथ में जो कृषि मंत्रालय है या कृषि पशुपालन का मंत्रालय है वो लोग भी अपनी अपनी योजनाएं यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि माननीय मंत्री जी इसी कार्यक्षेत्र से अपना इन्होंने जीवन शुरू किया है, राजनीतिक जीवन, और यहाँ के बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी है कि क्या यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, यहाँ की आवश्यकताएँ क्या हैं और यहाँ के किसानों के लिए क्या किया जाना है। तो मुझे लगता है कि अवसर है जबकि सभी लोग मिल करके तय करेंगे, चाहे यहाँ की जो मिट्टी की बात है कैसे उसको और उपजाऊ बना सकते हैं, या जो फसल की प्रणाली है जो गन्ना के ऊपर ही पूरी तरह से आधारित है कैसे नई कृषि प्रणाली को ला सकते हैं, या जो गन्ना की जो कृषि प्रणाली है उसको कैसे और आमदनी युक्त और लाभकारी आपको बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे बातें हैं जो जिसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं और केवल कृषि ही नहीं, अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि जो दूसरे मंत्रालय भी जो किसानों को और सुविधाएं दे सकते हैं उसके ऊपर भी काम हो रहा है, चाहे रेलवे का मंत्रालय हो या आपका सड़क का मंत्रालय हो या और भी जो प्रसंस्करण का मंत्रालय हो, सिंचाई विभाग का मंत्रालय हो, तो ये सभी लोग भी यहाँ पर आकर के काम करेंगे और इस जनपद को एक आदर्श जनपद बनाएंगे और आपके क्षेत्र को एक कृषि के लिए नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। मैं अपने तरफ से बस इतनी बात कहना चाहता हूँ और आह्वान करना चाहता हूँ कि जो संस्थान यहाँ पर हैं आपके आसपास जो काम कर रहे हैं तकनीकी पर, उससे आप मिल करके जो नई टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के आगे बढ़ाएं, चाहे गन्ने की बात हो, चाहे बासमती की बात हो, या जो पशुओं का पालन कर रहे हैं उनकी उत्पादकता बढ़ाने की बात हो, और कई किसान मुझे मालूम है फूलों की खेती भी यहाँ करते हैं, हल्दी के ऊपर भी कुछ किसान भाई प्रसंस्करण का काम यहाँ करते हैं, पानी की किल्लत है अभी चर्चा भी हुई है और उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि सबको सचेत होने की जरूरत है। हमारे संवाददाता ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री से विस्तृत बात की। किसान बहनों भाइयों, जानते हैं कि भारत सरकार के 2 साल हो गए उपलब्धियों के बारे में, आज आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव बालियान जी, जो खासकर डॉक्टर साहब आपका स्वागत करेंगे बात के, खासकर जो हमारे पशुपालन है उनके लिए 2 साल में क्या कुछ उपलब्धियाँ हुई। देखिए, पहली बात तो एक कृषि मेले का आयोजन है, ये प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी कि वैज्ञानिक गाँव में जाएँ, वैज्ञानिक अपने एसी दफ्तरों में न रह के गाँव में किसान के बीच जाएँ, उसके तहत एक योजना बनी मेरा गांव मेरा गौरव। तो सभी कृषि वैज्ञानिकों, सभी इंस्टीट्यूट्स, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को कहा गया कि वो गांव गोद लें, उन गांव में काम करके किसानों के साथ काम करके दिखाएं। तो आज प्रधानमंत्री जी की पहल के अनुपालन में आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिक गाँव तक पहुँच रहे हैं, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो कृषि में किसान कर सकता है उनका प्रदर्शन, और किसान को हर चीज़ की जानकारी देना, अच्छे खाद बीज, इसके तहत आज ये यहाँ मेले का आयोजन किया गया है। जहाँ तक आपने कहा पशुपालन विभाग में क्या किया गया, अभी इसी बजट में एक बहुत बड़ी योजना हमें मिली है 850 करोड़ की, डेयरी डेवलपमेंट की एनिमल हस्बेंड्री को मिली है, शायद इतनी बड़ी योजना कभी पहले नहीं मिली। उस योजना के तहत अभी काम शुरू होने जा रहा है और हमारा सेक्स सीमेंट टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर है, हो सकता है आने वाले समय में हम ऐसी टेक्नोलॉजी देश में ले आ पाएँ कि उसके द्वारा अगर गाय हैं हमें बछिया चाहिए तो हम बछिया ही पैदा होंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी के विकास करने पर हमारा जोर है। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है कि जो चाहे वही बच्चा पैदा होगा। इसके अलावा डॉक्टर साहब, जो हमारी युवा पीढ़ी है खेत की जोत लगातार घटती जा रही है, तो उन्हें किस तरह की योजना है जिससे कि वो डेयरी को अच्छे उत्पाद बना के व्यवसाय के रूप में अपना सकें। देखिए, डेयरी की कई योजनाएँ पहले चल रही हैं, प्रदेश में भी है डेयरी की योजनाएँ, और चूंकि उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव सिस्टम ध्वस्त हो चुका, प्राग यहाँ का कोऑपरेटिव का वो था लेकिन भ्रष्टाचार की दीमक उसको खा चुकी है, इसलिए अभी यहाँ मदर डेयरी ने भी काम शुरू किया है, कुछ और वो आ रहे हैं। अगर कोऑपरेटिव बना के आगे बढ़ें युवा लोग,
फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, वो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आप ये देखिए पोली हाउस शुरू हो चुका है, डेयरी फार्मिंग है, आप मधुमक्खी पालन है। जब तक स्वरोजगार की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जोत कम है, स्वरोजगार की तरफ जाना होगा, उसके लिए एनिमल हस्बेंड्री से उपयुक्त मेरे विचार से कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं है। डॉक्टर साहब, जल ही जीवन है, इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है और कुछ प्रदेशों में तो हाहाकार मच हुआ, इसके बारे में आप कुछ जागरण कर रहे हैं? मेरा तो फोकस ही यही है कि मैं नहीं चाहता, मैं अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर, जिसे कहते हैं हरी भरी भूमि, आप कहिए, ना इस जैसा पानी कहीं, ना इस जैसे खेत कहीं, ना ऐसी ज़मीन कहीं। मेरा तो अनुरोध रही है ये अपने क्षेत्र वालों से कि अगर हमें से बंजर नहीं बनाना, हमें से रेगिस्तान में तब्दील नहीं करना, तो हमें पानी बचाना होगा, हर बूंद का सदुपयोग करना होगा। जिस तरह प्रधानमंत्री कहते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उस पर हमें जाना होगा, जल संचय करना होगा। एक नई योजना है 5 लाख तालाबों का निर्माण। अगर कोई किसान अपने खेत में भी तालाब बनाना चाहता है तो मनरेगा के द्वारा सरकार उसका पैसा देगी। हर खेत में तालाब की आवश्यकता है आज, उसके बिना जब तक हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, वापस जितना पानी निकाले उतना भूमि नहीं डालेंगे। मेरे विचार से सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय देश में किसानों के सामने यही है। डॉक्टर साहब, आखिर में देश के किसानों के लिए आप क्या संबोधन करना चाहेंगे? मेरा संबोधन तो यही है कि जल बचाओ, जल ही जीवन है। हमने देख लिया, अगर जल सिंचाई आज भी सिंचित भूमि 45% है, वो इसीलिए नहीं बढ़ पा रही क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे पानी बचाने के लिए, सरकार के साथ साथ जन सहभागिता जरूरी है। जब तक हर व्यक्ति कर्तव्य नहीं मानेगा कि मुझे पानी बचाना, अकेले सरकार के बस का काम नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि जन जागरण बहुत जरूरी है, लोगों का सपोर्ट होनी है, यानी खुद लोग जागेंगे तभी जल बच पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी अवसर पर माननीय मंत्री ने किसानों के खेत में केन प्लांटर मशीन द्वारा गन्ने की बुआई को भी देखा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाज शनाज कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। मेरे साथ बोलो ए, ए बी, बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है, अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36-44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली,
1100049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/krishidarshantv, फेसबुक पर facebook.com/krishidarshantv, और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/krishidarshantv। भेजे हमें मेल krishidarshantv@gmail.com पर। किसान भाइयों, आपको कार्यक्रम कैसा लगा? आपके पत्र, आपके ईमेल हमें लगातार मिलते रहने चाहिए। और कल का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ चाहते हैं विदा, फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारी के साथ। सब भाई बहनों को नमस्कार।